आप गजबे बनू मुस्तलक से लौट रहे थे, एक चश्मा चश्मे मोराई सिवा रुक गया। हजरत उमर का एक गुलाम था जहजह गफारी, वो गया पानी लेने के लिए। इतने में अंसारियों का एक आदमी सेनान इब्ने वबर जोहनी, वो भी गया। दोनों में धक्कम धक्का हो गई। एक ने पुकारा या लल अंसार, दूसरे ने पुकारा या लल मुहाजरा, ए मुहाजरीन दौड़ो। एक ने पुकारा ए अंसारी दौड़ो। अब उधर से अंसार दौड़े, उधर से मुहाजरीन दौड़े। भाई बात क्या हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पुकार सुनी, कहा कौन ये पुकार पुकारा, कौन इस तरीके की पुकार पुकारता है? अरे छोड़ो इस तरीके की पुकार को, बदबूदार पुकार है ये, या लल मुहाजरा और या लल अंसार, बदबूदार पुकार है, छोड़ो इसको। अब्दुल्लाह इब्न उबई भी था उसमें, मुनाफिकों का सरदार। अब एक अंसारी आदमी ना, सेनान इब्न वबर जोहनी, बहुत गुस्से में आया, कहने लगा ये तो ऐसे हुआ जैसे कुत्ते को पालो, मोटा करो और वही तुम्हें काट खाए। भाग करके मक्के से आए, हमने उन्हें जगा दी, खा खा करके चर्बी चढ़ गई है, हमारे आदमी से धक्कम धक्का, मदीना पहुंचने दो, मदीने का इज्जतदार जलील को निकाल बाहर करेगा। यानी अपने को इज्जतदार उसने कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील कहा। कुरान हकीम ने सूरह मुनाफिकून के अंदर उसका एक कौल नकल किया है, ला युखरिजन यकूलून ला रजाना इला अल मदीनति ला युखरिजन अल आज़ु मिनहा अल अज़ल। ये कहते हैं कि जब हम मदीना लौटेंगे तो मदीना का जो अजीज है वो जलील को निकाल देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील कहा उसने, और अपने जाम में वो अपने आप को अजीज बना। इसके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला पक्के मोमिन, उनको जब यह मालूम है कि मेरे बाप ने इशारतन मेरे नबी को जलील कहा है, फौरन मदीना के गेट के ऊपर तलवार लेकर खड़े हो गए। जब अब्दुल्लाह इब्न उबई पहुंचा, कहा कि आप यहीं रुक जाइए, तू उस वक्त तक मदीने में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरा रसूल तुझे मदीना में दाखिल होने की इजाजत ना दे, और तू अभी तस्लीम करती, तू जलील है और मेरा रसूल अजीज है। बोलिए, तू जलील है, बेटा कह रहा तू जलील है, मेरा रसूल अजीज है, और जब तक मेरा रसूल तुझे मदीना में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगा, मैं तुझे मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा। तलवार सोते खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, जब आपने इजाजत दी जाने दो, तब हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप का रास्ता छोड़ा। उसके बाद फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा कि अल्लाह के रसूल हुक्म दे तो बाप का सर काटकर कदमों में लाकर डाल देता हूं। यह मोहब्बत, ऐसी ऐसी मोहब्बतों का मुजाहरा किया है तब यह इस्लाम हम तक पहुंचा है। इतनी कुर्बानियां ना होती, इतनी सैक्रीफाइसेस ना की जाती तो इस्लाम सही सालिम हम तक नहीं पहुंचता था। सहाबा ने जिस इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी, ये कयास के रगड़ने वाले तरह तरह के शोशे छोड़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को कंडम करने में लगे हुए हैं।